मुंबई के चेंबूर में विधायक प्रकाश भादर पेकर के नेतृत्व में कोरोना मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोग अपना कोरोना टेस्ट कराने पहुंचे। आपको बता दें कि विधायक प्रकाश भादर पेकर के नेतृत्व में इस तरह के कोरोना मेडिकल कैंप कई बार अलग अलग वार्ड में आयोजित किए गए, जिससे स्थानीय लोग अपना कोरोना जांच करा सके। आज या स्वॅब टेस्टचा जे आपण जे घेतली टेस्ट, मला वाटतं हा सातवा का आठवा हा स्वॅब टेस्टचा कॅम्प हे गेला आहे। आपण स्वॅब टेस्ट आणि अँटीबॉडी टेस्ट मला वाटतं 15-16 वर आम्ही घेतलेले आहेत, आणि हे घेणं गरजेचं आहे की पुष्कळ लोकांनी टेस्ट केलेलं नसतात, थोडांना येऊन गेलेला असतो, त्या अँटीबॉडी टेस्टमध्ये त्यांना कळतं की बाबा या महिन्याला तुम्हाला होऊन गेला आहे, तुमच्या अँटीबॉडी एवढ्या आहेत। मग ते हे आपण आज सरकार पण ह्याच्या मागे लागले आहे की बाबा तुम्ही करून घ्या, कारण लवकर करून घेणं गरजेचं आहे, कारण जास्त सगळ्या स्टेज जो जास्त झाली तर मग त्रास होतो, मग परत हॉस्पिटलमध्ये पण जाऊन ॲडमिट झाल्यानंतर पण तो पेशंट वाचू शकत नाही। त्यामुळे यासाठी आम्ही मुद्दाम जोर देतो आहे बाबा तुम्ही या टेस्ट करा आणि थोडंसं डिस्टन्स पण पाळा। अजून काय आपण म्हणतो की कमी झाला, पण तसं तुम्ही कमी झाला म्हणून आपल्या स्वतःकडे थोडंसं लक्ष ठेवा। आणि आता पण असं समजा की बाबा आहे आणि आपण डिस्टन्स मेंटेन करून आपल्या सेफ्टीसाठी आपण ते पाळायचं आहे, आणि नेहमीच गरम पाणी एक पीत राहा, कोमट पाणी, थोड्याशा वाफा घ्या सकाळच्या, एवढं जरी केलं तरी पुष्कळ होईल। धन्यवाद। मेरे सोसाइटी में पता चला, एक रिक्वेस्ट आया था, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम आगे आके अपना टेस्ट कराएं। जैसे साहब ने बताया, एक बार पता चला और वो कोविड सेंटर में गए तो वो थोड़ा लेट हो जाता है और उधर रश भी बढ़ जाता है, पहले ही पता चला तो जल्दी भी उसका इलाज भी हो सकता है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि मुझे और भी बहुत लोग हैं जिसको करना है, मेरा रिक्वेस्ट है कि सब लोग सामने आकर अपना टेस्ट कीजिए। अब पता चलेगा कि ओके है, अगर कुछ तो शुरू हुआ है तो इमीडिएटली आपका इलाज हो सकता है, वो समाज के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा वो। थैंक यू। बता दें कि कोरोना काल के दौरान लगातार विधायक प्रकाश भादर पेकर की ये कोशिश रही कि वो हर संभव लोगों की मदद कर सकें और इस कोरोना महामारी के काल में लोगों के काम आ सकें, लोगों के दुख दर्द को बांट सकें। और इस मेडिकल कैंप का आयोजन भी उसी उद्देश्य के तहत किया गया, जिसमें लोग अपना कोरोना जांच करा सकें। CEN News मुंबई के लिए राज पांडे की रिपोर्ट।